तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुर्ता ऊपर को क्यों चढ़ता है और कॉलर पीछे को क्यों जाता है। तो चाहे जेंट्स शर्ट हो या जेंट्स कुर्ता हो, या शर्ट वाला कॉलर हो या बैंड पट्टी पतला वाला कॉलर हो, इस सब के लिए हम आपको तीन ऐसे कारण बताएंगे, तीन बिग मिस्टेक आप क्या करते हैं जिस वजह से कुर्ता पीछे को जाता है और कॉलर भी पीछे को जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये राइट है, बिल्कुल सही है। स्टिचिंग करने के बाद इस तरीके से आना चाहिए कॉलर हमारा, इस तरीके से, चाहे शर्ट हो चाहे कुर्ता हो। और पीछे से भी दोस्तों आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही है, इस तरीके से आना चाहिए। पर जब कॉलर पीछे को जाता है या कुर्ता ऊपर चढ़ता है, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। और आप तीन ऐसी क्या कमियाँ करते हैं, तीन बड़ी मिस्टेक करते हैं जिस वजह से कुर्ता ऊपर को जाता है। ये देखिए, जैसा कि देख सकते हैं आप, तो ये देखिए, ये बिल्कुल कॉलर पीछे को चला गया है, यानी कुर्ता हमारा ऊपर चढ़ गया है, तो इस तरीके से आता है। तो ये बहुत सारे न्यू बिगिनर्स ये कमी करते हैं, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं मेरे पास, तो इसलिए मैंने आपको इस पर समझाने की कोशिश की है, इसको सही कैसे करें, ये पीछे को ना जाए तो किस तरीके से कटिंग करें। तो ये देखिए दोस्तों, ये राइट है बिल्कुल, और जैसा कि ऊपर को चढ़ने के बाद किस तरीके से दिखता है वो भी आपने देख लिया है। अभी मैं आपको पीछे से भी दिखाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, पीछे से जब कॉलर हमारा पीछे को जाता है दोस्तों, इस तरीके से हो जाता है, जैसा कि देख सकते हैं, ये कितना बहुत ही बेकार लग रहा है, और ये पहनने के लायक कुर्ता या शर्ट पहनने के लायक ही नहीं रहता दोस्तों। तो इसी पर हमने ये वीडियो बनाया दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि हमने इस पर आपको तीन ऐसे कारण बताए जिस वजह से आपका कुर्ता या शर्ट पीछे को जाता है दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं आप, बिल्कुल इस तरीके से राइट आना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो पीछे को नहीं जाना चाहिए, पीछे को नहीं कुर्ता जाए तो उसके लिए क्या करें आप। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुर्ता पीछे को क्यों जाता है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, जो हमारे न्यू बिगिनर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। कुछ लोग कहते हैं हमारा कॉलर पीछे को जा रहा है, और कुछ लोग कहते हैं हमारा कुर्ता ऊपर को चढ़ रहा है। तो इसी पर ये हमने वीडियो बनाया है, आपको समझाएँगे। बहुत सारे हमारे न्यू बिगिनर्स, हमारे दोस्त होते हैं, वो हमें कमेंट्स कर रहे हैं कि सर पीछे को कुर्ता जाता है, तो उसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों, मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिजाइनर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ये हालर कटिंग होती है, और ये आर्म होल, ये मुड्डे का निशान होता है, और ये कमर का और हिप का जो भी निशान होता है, और बैक कितनी, ये बैक पल्ला कितना उठा कर रखते हैं, यहाँ से कितना बढ़ा कर रखते हैं, तो इस पर हमारे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप कुर्ता पैजामे की फुल कटिंग और स्टिचिंग सिलाई सीखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, और चैनल पर भी हमारे जाकर देख सकते हैं। तो हमने पजामे के लिए भी थाई किस साइज के लिए कितनी रखते हैं, आसन किस साइज के लिए कितना रखते हैं, हमने बच्चों से लेकर बड़ों तक हमने कुर्ता पजामे के फुल फार्मूले आपको बता रखे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको तीन ऐसी वजह बताएंगे, तीन कारण बताएंगे, जो तीन बिग मिस्टेक करते हैं आप, जिसकी वजह से हमारे कुर्ते का कॉलर पीछे को जाता है और कुर्ता ऊपर को चढ़ता है। तो इस पर हम आपको तीन कारण बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो शुरू से नहीं देखा है, अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया है, तो आपका वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो को शुरू से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो के शुरू में हमने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसका आपको देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग वीडियो को शुरू में स्किप कर देते हैं, तो उनके वीडियो समझ नहीं आ पाता है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से ज़रूर देखा कर। जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, वो गलती क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। देखिए, ये जॉइंट तीरे वाला कुर्ता बता रहा हूं आप, अभी मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा जो अलग से तीरा लगाते हैं। तो ये देखिए, नॉर्मल कुर्तों के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक बैक 2 इंच उठा कर रखते हैं, ठीक है, 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, यानी 2 इंच बढ़ा कर रखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ लोग बैक को कम कटिंग कर देते हैं, जैसे कि कुछ लोग 1.5 इंच या 1.25 इंच भी काट देते हैं, जो न्यू बिगिनर्स होते हैं जिनको नहीं पता होता है। जो बैक होती है ये कम कटिंग करते हैं, और जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, हैवी साइज होते हैं, उनके लिए करीब तकरीबन 2.5 इंच भी बैक को उठा कर रखना होता है, ठीक है। तो नॉर्मल साइज़ के जो कुर्ते होते हैं, उसको हम बैक को यहाँ से यहाँ तक हमें 2 इंच बढ़ा कर रखना होता है। अगर आप इससे कम रखेंगे तो कुर्ता पीछे को जाएगा, क्योंकि बैक पीछे को जाती है। ये तो पहली गलती, पहली मिस्टेक होगी, अगर आप बैक कटिंग कम कटिंग करेंगे तो कुर्ता पीछे को जाएगा।
उसके बाद दूसरी मिस्टेक ये करते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने ये हाल की कटिंग की है, ये राउंड शेप बनाया है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्या होता है जब कुछ लोग कुर्ते की स्टिचिंग करते होते हैं, कई बार क्या होता है हालर छोटा पड़ता है, कॉलर बड़ा हो जाता है, जैसे कि कटिंग के स्टिचिंग करते टाइम जब आप नाप कर देखते हैं तो कॉलर बड़ा आता है और ये हालर छोटा आता है। तो इसके लिए आप जब इसको यहाँ से छटाई करते हैं, इसको यहाँ से बढ़ाने के लिए, तो कुछ लोग क्या होता है जब इसकी कंधी यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट होती हैं, अटैच होती हैं, तो इसके साथ में यहाँ से छटाव करते टाइम इसको भी कम कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये राउंड शेप भी कम कर देते हैं दोस्त। इस यहाँ से यहाँ तक हम इसकी गहराई ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तकरीबन हम 1.5 इंच गहराई रखते हैं यहाँ से यहाँ तक, जो हमने राउंड शेप बनाया है बैक के हालर के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, जो कुर्ते में अलग से जो तीरा लगाते हैं दोस्तों, तो वो इस तरीके से होता है। इसको हम इसकी हमें से इसमें भी सेम वही फार्मूला है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। बस हमें इसको कम नहीं करना, जो हमने कटिंग की है मेन कटिंग वही रहने देना है। कभी भी हालर अगर आपका छोटा हो तो आपको इसको बिल्कुल भी कम नहीं करना है। तो इसको हम स्टिचिंग करते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए अलग से जो तीरे लगाते हैं कुर्ते में वो ये हो गया। अगर आपकी शर्ट है दोस्तों, शर्ट में भी सेम यही चीज़, अगर आप जेंट्स शर्ट या लेडीज शर्ट बना रहे हैं तो भी आपको ये जो मैंने बताया है सेम यही फार्मूला काम करेगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको कुर्ते पर मैं आपको समझाऊंगा, आप यहाँ पर आप सही तरीके से समझ पाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों ये। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी प्लॉकेट पट्टी है और ये हमारा हालर है। तो अब जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, जो नए सीखने वाले हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं और उन्हें क्या नहीं करना है, वो उस वीडियो को देख कर अब आप सही तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, जब हमारा कॉलर जब बड़ा होता है, ठीक है, तो जो हमारे न्यू बिगिनर्स होते हैं, जो नए सीखने वाले होते हैं, वो इसको यहाँ से कटिंग करके छटाव करते हैं, इसको कट करते हैं कपड़े को इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मिलाते हैं इसको। ये देखिए, जब इसको हम यहाँ से इस तरीके से मार्किंग करते हैं, यहाँ से जब हमारा कॉलर बड़ा होता है हालर छोटा पड़ता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ से मार्किंग करते हैं इस तरीके से, इसका छटाव करते हैं। तो अब आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है दोस्तों, ये देखिए हमारी कंधी आ गई, कुछ लोग ये निशान लगाते हुए चले जाते हैं यहाँ से इस तरीके से बैग में, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक निशान लगाते चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुर्ता ऊँचा भी हो जाता है और ये बैग भी गहराई में कट जाती है, तो इस वजह से बैग छोटी हो जाती है पीछे, तो कुर्ता पीछे को जाता है। तो दोस्तों सही तरीका क्या है इसका छटाव करने का, यहाँ से इसको कटिंग करने का, अगर कॉलर बड़ा है तो इसको सही करने का तरीका ये है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप कट करेंगे इस तरीके से, ये देखिए हमने बिल्कुल भी बैग को नहीं छोड़ा है, कंधी भी हमारी नहीं छेड़ी गई है। तो इस तरीके से ये तरीका है, बिल्कुल आप फ्रंट को ही कट करेंगे, बैग को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। तो दोस्तों अगर आपने इसको भी कटिंग कर दिया तो यहाँ से आपका कुर्ता ऊँचा हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक वीडियो बना रखा है मोटे लोगों का कुर्ता कैसे बनाए, जैसे कि जिन लोगों के पेट ज़्यादा होते हैं, तो उस पर भी कुछ लोगों के पेट ज़्यादा होने की वजह से कुर्ता पीछे को जाता है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है उसकी कटिंग कैसे करें दोस्तों, ठीक है। तो ये तीन कारण होते हैं, अगर किसी का पेट ज़्यादा है तो उस वजह से भी कुर्ता पीछे को जाने के चांस है, और अगर आप इसकी बैक कम कटिंग करते हैं तो भी पीते हैं कॉलर पीछे को जाता है, अगर आप इसका छटाव ज़्यादा करेंगे, इसको यहाँ से ज़्यादा कट करेंगे तो भी कुर्ता पीछे को जाता है। तो दोस्तों यही तीन कारण होते हैं कुर्ता पीछे को जाने के। तो हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।